आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। केंद्र सरकार बीते कुछ वर्षों से देश में तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, जिसका असर अब दिखाई देने लगा है। नतीजतन बीते 4 सालों में देश के अंदर तिलहन की पैदावार में 19% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत में तिलहन के उत्पादन में हुई बढ़ोतरी की जानकारी केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में दी। उन्होंने एक प्रश्न का लिखित जवाब देते हुए कहा कि तिलहन उत्पादन के बीते 4 सालों के आंकड़े साझा किए गए हैं, जिसके तहत वर्ष 2018-19 में देश के अंदर 31.52 मिलियन टन तिलहन का उत्पादन हुआ था, जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 37.15 मिलियन टन पहुंच गया। कृषि मंत्री ने सांख्यिकी निदेशालय के अनुमान के आधार पर यह आंकड़े साझा किए हैं। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय के दूसरे अधिम अनुमान के अनुसार कहा कि इस वर्ष सोयाबीन के उत्पादन में भी बढ़ोतरी का अनुमान है। उन्होंने बताया कि 2020-21 के दौरान सोयाबीन का अनुमानित उत्पादन 12.61 मिलियन टन था, जो 2021-22 के दौरान 13.12 मिलियन टन रहा। COOIT ने इस वर्ष देश में 29% अधिक सरसों के उत्पादन का अनुमान लगाया हुआ है। असल में बीते महीने जयपुर में COOIT की बैठक हुई थी, जिसमें COOIT ने रबी की फसल के दौरान देश के 87.44 लाख हेक्टेयर में सरसों का उत्पादन आंका है, जिसमें प्रति हेक्टेयर औसत उपज 1270 किलोग्राम आंकी गई है। इसके अनुसार देश में 2021-22 के दौरान सरसों का उत्पादन 1095 लाख टन होने का अनुमान है, जो बीते साल की तुलना में 29% अधिक होगा। बीते वर्ष देश में 85 लाख टन सरसों का उत्पादन हुआ था। देश अपनी खाद्य तेल संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशों पर निर्भर है। एक अनुमान के मुताबिक भारत खाद्य तेलों की अपनी कुल घरेलू मांग का लगभग 60-65% विदेशों से आयात करता है। वर्ष 2020-21 के दौरान भारत ने 13 मिलियन टन खाद्य तेलों का आयात किया था। एक अन्य आंकड़े के अनुसार पिछले वर्ष भारत ने 13 मिलियन टन खाद्य तेलों के आयात पर लगभग 72,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। वहीं इस वर्ष आयात की मात्रा तो स्थिर रही है, लेकिन खाद्य तेलों के आयात पर कुल 1.17 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।